कपूर को हम अब एक यंग वैम्पायर का रोल निभाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर सतीश कौशिक ने रिसेंटली साशा को शांतनु धार की बुक द कंपनी रेड पढ़ने दी है, जिस पर बेस्ड सतीश जी एक फिल्म बनाएंगे। धनुष अपना फेमस सॉन्ग कोलावरी डी का प्रमोशन करने इन दिनों मुंबई आए हैं और धनुष को अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला, जो कि धनुष के इस सॉन्ग के बहुत बड़े फैन हैं। बिग बी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें धनुष की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई। अगर मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो संजय दत्त नहीं चाहते कि उनकी फिल्म जिला गाजियाबाद के को स्टार विवेक ओबेरॉय संजय के दुश्मन यानी संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में काम करे, और कहा जा रहा है कि संजय विवेक को इस फिल्म को साइन करने से मना कर रहे हैं। बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बासु और उनके खास फ्रेंड राणा डाकुबट्टी ने गोवा में होने वाले सनबर्न फेस्टिवल के लिए अपने पासेस बुक कर दिए हैं। वैसे गोवा इन दोनों के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि यहीं दम मारो दम की शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी। कहा जाता है कि सलमान खान किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले कभी उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, एज ही इज नोन फॉर बीइंग स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्टिव। अब कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, सलमान को पहली बार उनकी अपकमिंग फिल्म एक था टाइगर की स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ते हुए स्पॉट किया गया और वो फिल्म के हर एस्पेक्ट पर पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं।